नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय मीना 143X पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सामने बार बार एक अद्भुत, एक अनोखी, एक रहस्यमय जानकारी लेकर के आते हैं। ऐसी ही जानकारी आज हम आपके सामने वापस फिर से लेकर आए हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पुरुषों को जाना सख्त मना है। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों के जाने पर वहाँ पर सख्त पाबंदी है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ऐसे कहेंगे कि ऐसा क्यों है, वहाँ पर मंदिर में ऐसे पुरुष क्यों नहीं जा सकते। जी हाँ दोस्तों, उसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। उस कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। बात जब की है दोस्तों, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे संसार के पालनहार हुआ करते थे, जी हाँ ब्रह्मा जी जो हमारे संसार के पालनहार माने जाते हैं, तब पृथ्वी पर एक व्रजनाश नाम का राक्षस था जिन्होंने पृथ्वी पर एक आतंक मचाया हुआ था। तो उस आतंक को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए और उन्होंने व्रजनाश नाम के राक्षस का वध किया। और फिर उसके बाद में जब पृथ्वी पर जो लोग थे उनको उनकी इस खुशहाल जिंदगी के लिए वहाँ पर यज्ञ करने का जो प्लान बनाया, उस टाइम पे जब उन्होंने यज्ञ प्रारंभ करने की सोची, जब यज्ञ करते टाइम पे यज्ञ करने के समय वहाँ पर उनकी पत्नी सावित्री यानी कि सरस्वती माता वहाँ पर पे नहीं पहुँच पाई। वो विलंबित हो चुकी थी, यानी कि विलंब हो चुकी थी, लेट हो चुकी थी, वहाँ पे नहीं आई। और ब्रह्मा जी को वहाँ पे यज्ञ करने के लिए अपनी पत्नी का होना वहाँ पे जरूरी था। यज्ञ के लिए यज्ञ करने के लिए, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पत्नी का साथ में होना जरूरी था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया कि पृथ्वी पर स्थित ही एक गुजर समुदाय की लड़की गायत्री, जिसका नाम गायत्री था, उनके साथ में विवाह किया। विवाह करके उनको अपने साथ यज्ञ में बिठाया, यज्ञ को पूर्ण किया। जब यज्ञ पूर्ण हो रहा था तब वहाँ पर सावित्री देवी यानी कि सरस्वती माता वहाँ पर वह पहुँची। और उन्होंने जब ये देखा, जब ब्रह्मा जी के बगल में दूसरी बाला को देखा, लड़की को देखा, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने क्रोधित में आकर के, गुस्से में आकर के ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि हे ब्रह्मा जी, आप भगवान होने के बावजूद यानी कि देवता होने के बावजूद भी दुनिया में कहीं पर भी नहीं पूजे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा श्राप जब सरस्वती माता ने दिया तो आसपास में जो देवगण खड़े थे वह उनके लिए चिंता का विषय बन गया। जब देवी देवताओं ने उनसे कहा कि देवी, हे देवी माफ़ करो, जो भी कुछ कहा कि श्राप वापस लो, तो देवी ने उसके बाद में जो कहा, उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मा जी का पूजन सिर्फ और सिर्फ अजमेर के पुष्कर में ही इनका पूजन किया जाएगा। इसके अलावा पूरे भारत में ना उनका कोई मंदिर बनेगा, ना उनको कोई पूजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल सच है कि हमारे पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो कि पुष्कर में है, इसके अलावा ब्रह्मा जी का कहीं पर भी एक भी मंदिर नहीं है, ना उनको पूजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ में ही भगवान विष्णु का भी वहाँ पे नंबर ले लिया दोस्तों, भगवान विष्णु का भी वहाँ पे नंबर ले दिया और उनको भी श्राप दे डाला। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि वह भी विवाह कार्य के साक्षी थे। इसीलिए जी हाँ दोस्तों, जब देवी सरस्वती सावित्री ने उनको जो श्राप दिया कि हे विष्णु, आपको भी मैं श्राप देती हूँ कि आप भी अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, यानी कि आपकी पत्नी से विरह योग आपका बनेगा। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान विष्णु को उस जन्म में ना करके अगला जन्म जो कि भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री राम के रूप में उन्होंने पृथ्वी पर लिया था, तब उनकी जो पत्नी थी सीता, उनसे 14 वर्ष का वनवास का उनका वियोग रहा था, जो कि उस श्राप को वहाँ पर वो जो श्राप मिला था उसके कारण उनको पत्नी से विरह योग मिला। जी हाँ दोस्तों, श्राप बिल्कुल एकदम करेक्ट और सटीक था। जब भगवान विष्णु को भी मिला ऐसा श्राप, जब उन्होंने उनका साथ दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में जब देवी वहाँ से गुस्से में आकर के वहाँ से निकली दोस्तों, जब निकल के जा रही थी तो वह एक ऊँची पहाड़ी थी, उनके जो भगवान ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसके पीछे की तरफ एक पहाड़ी है, वहाँ पर ऊंची चोटी पर मंदिर है। और उस मंदिर के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि वहाँ पर पुरुषों का जाना बिल्कुल सख्त मना है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर एक भी पुरुष वहाँ पे नहीं जा सकता, वहाँ पे कतई मना है वहाँ जाना, क्योंकि चुकी थी। इसके कारण वहां पे पाबंदी लगाई गई कि पुरुषों का जाना है वहां पे सख्त मना है, वहां पर ओनली ओन महिलाएं जा सकती है। लेकिन उस पर्वत जो चोटी थी, जो पहाड़ी थी, उसकी ऊंचाई काफी थी और वहां पे जाने का जो रास्ता था वो काफी जटिल था, कांटों झाड़ों से भरा हुआ था। इसलिए कई लोगों का मानना है कि वहां पर जाने का
कोशिश करने वाले लोग कई कोशिश करते हैं, वहाँ पे जाते भी है, लेकिन जब अगर वहाँ पे कोई पुरुष जाने की कोशिश करता है तो उसका जो जीवन काल है वो काफ़ी दुख में बीतता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और इसलिए वहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे होने के कारण उसको नीचे से ही उसके पूजन किया जाता है, उसको रोका जाता है दोस्तों। जी हाँ, ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इसको किसने बनवाया किसने नहीं बनवाया ये कब की बात है, लेकिन इसका मानना कुछ इसकी जो मान्यता है वो दोस्तों वो कुछ इस तरीके से किया है कि अर्णव वंश का शासक हुआ करता था दोस्तों, जिसको स्वप्न काल में ब्रह्मा जी के जो मंदिर है उसको स्वप्न काल में उसकी छवि दिखी और उनको कहा गया कि इस मंदिर की देख रेख का कार्य आप संभालें। यहाँ दोस्तों उसके बाद में जो मंदिर था उनको उसने पुराने ढांचे को निर्मित करवाया और एकमात्र मंदिर बनवाया जो कि पुष्कर में है, जो कि राजस्थान के पुष्कर के अंदर आता है दोस्तों। जी हाँ, राजस्थान में एक जिला पड़ता है, राजस्थान के अंदर में एक जिला है जो कि अजमेर है, अजमेर के अंदर में पुष्कर नाम का एक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया गया और वहाँ पर प्रत्येक कार्तिक का पूर्णिमा को वहाँ पर मेला लगता है। कहा जाता है कि दोस्तों जब यज्ञ किया गया था वो यज्ञ कार्तिक पूर्णिमा को किया गया था, इसलिए वहाँ पर ब्रह्मा जी का मेला इस तरीके से पुष्कर में जो मेला लगता है वो इस कारण से लगता है दोस्तों। और वहाँ पे काफ़ी भक्त आते हैं, हजारों की तादाद में भक्त आते हैं। अगर आप भी गए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि कई लोग वहाँ पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जो आपको जानकारी थी दोस्तों वो आपको कैसी लगी आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके बताएं, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है आपको दिया गया है यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को जरूर बजाएं ताकि कभी भी जब भी हम आपके सामने ऐसी ही अनोखी जानकारी लेकर के आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अनोखी जानकारी के बारे में जान सकें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।